बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे का भावार्थ है कि संत कबीर दास जी कहते हैं, यदि कोई बड़ा है और वह उपयोगी नहीं है तो उसके बड़े होने का क्या फायदा। जैसे खजूर का पेड़ काफी ऊंचा बड़ा होता है, लेकिन उसके फल इतनी ऊंचाई पर लगते हैं जिन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है, और उसकी छाया का भी कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण जमीन पर उसकी छाया आती नहीं है जिससे कोई पंथी सहारा ले सके। ऐसे ही यदि कोई ज्ञानी जो अपने आप को बड़ा घोषित करता है और यदि उसके ज्ञान से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है तो समझे कि उसका ज्ञान व्यर्थ है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे का भावार्थ है कि संत कबीर दास जी कहते हैं, वाणी शीतल होनी चाहिए। शीतल वाणी जहाँ स्वयं को सुख और शीतलता का अनुभव करवाती है, वहीं पर दूसरों को भी शीतलता देती है। भाव है कि वाणी की मधुरता अत्यंत ही आवश्यक है। जिसकी वाणी में मधुरता होती है वह सभी के दिल जीत लेता है। अन्य स्थान पर कबीर साहब की वाणी है कि कोयल किसी को क्या देती है और कौवा किसी का क्या छीन लेता है, लेकिन चूंकि कौवा मधुर नहीं बोलता इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। इस दोहे में संत कबीर दास जी एक और ये संकेत भी करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब कि जो वाणी बोल रहा है उसके मन का आपा खो गया, मतलब उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है और फिर वो जो भी वाणी बोलेगा वो शीतल वाणी ही होगी, मतलब कि वो सत्य वचन ही होंगे, और जो सत्य वचन होते हैं वो औरों को भी शीतलता प्रदान करते हैं, मतलब सच्चाई की तरफ बढ़ाते हैं। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदले जाए। इस दोहे में संत कबीर दास जी बताते हैं, हम आलस्य में और माया के भ्रम जाल में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को समाप्त कर देते हैं, जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति हीरे को कोड़ी में बदल कर रख देता है। भाव है कि यह जीवन हीरे के समान अमूल्य है जिसका महत्व समझना चाहिए, इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस दोहे का भावार्थ है कि हमें यह जीवन किस लिए मिला है। करोड़ों जतन के उपरांत, असंख्य योनियों में भटकने के उपरांत यह मानव देह मिली है तो इसे बर्बाद क्यों किया जाए, इसका उद्देश्य क्या है। हरि भजन, ईश्वर की भक्ति स्तुति और वंदन करते हुए नेक राह का चयन करना ही इस जीवन का मूल उद्देश्य है। माया के भ्रम को समझे कि कैसे यह हरि मार्ग से जीव को विमुख करती है। प्रेम प्रेम कोई सब कहे, प्रेम न बुझे कोई, आठ पहर भीगा रहे प्रेम कहाए सोए। इस दोहे का भावार्थ है कि संत कबीर दास जी बताते हैं, यह प्रेम सांसारिक नहीं है, किसी लालच तृष्णा से प्रेरित भी नहीं है। यह ऐसा प्रेम है जो बदले में कुछ नहीं चाहता है, बस समर्पण की मांग करता है। इस प्रेम को समय विशेष में भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह प्रेम सतत और सार्वभौमिक भी है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही वास्तविक प्रेम है, जिसे सामान्य रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह जरा समझने वाली बात है, जहाँ सांसारिक प्रेम बदले की भावना रखता है, बदले में कुछ प्राप्त करना चाहता है, वहीं पर कबीर साहब का प्रेम ऐसा है जो निस्वार्थ है। भाव है कि ईश्वर के प्रेम में जो व्यक्ति लीन रहता है उसे ही प्रेम कहा जा सकता है। उठा बगुला प्रेम का तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला तिनका तिनके पास। इस दोहे का शब्दार्थ है, बगुला मतलब मन चित्त, तिनका मतलब आत्मा या हल्का।
इस दोहे का भावार्थ है कि संत कबीरदास जी बताते हैं, जब चित हरि सुमिरन में लग जाता है तो वह तिनके की तरह हल्का हो उठता है और आकाश में उड़ने लग जाता है। यह तिनका मतलब आत्मा पूर्ण परमात्मा से मिल पाती है। भाव है कि आत्मा जिसने पूर्ण परमात्मा का अंश है वह उससे मिल पाती है। आत्मा मतलब मन के जागृत हो जाने पर अन्य सभी वासनाएं शांत हो जाती है और वह तिनके के समान हल्का हो जाता है। तिनका तिनके के पास पहुंचने से भाव है कि आत्मा परमात्मा में समा चुकी है। पाहन केरा पूतला करी पूजे करतार, इही भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। इस दोहे का शब्दार्थ है पाहन केरा पूतला मतलब पत्थर का पुतला, करी पूजे करतार मतलब ईश्वर समझकर इसकी पूजा करते हैं, इही भरोसे जे रहे मतलब इनके भरोसे जो रहता है, ते बूढ़े काली धार मतलब वह काल की धारा में डूब जाता है। इस दोहे का भावार्थ है संत कबीरदास जी बताते हैं कि पत्थर को जो ईश्वर समझते हैं, पत्थर के पुतले को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करते हैं, उनके ऊपर कबीर साहब की वाणी है कि जो पत्थर की पूजा करते हैं पत्थर को ही ईश्वर समझ लेते हैं, वे यदि इसी भरोसे पर रहे तो अवश्य ही काल की धारा में बह जाते हैं। इस साखी में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। मूर्ति पूजा एक तरह का पाखंड है जिससे व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मुक्ति तो सच्ची भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। सच्ची भक्ति से कबीर साहब का आशय है कि तमाम तरह के कर्मकांड का त्याग करके हृदय से हरि के नाम का सुमिरन ही मुक्ति का मार्ग है। तीर्थ करना, मूर्ति पूजा आदि दिखावे की भक्ति है जिसका वास्तविक भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। मूर्ति पूजा से पंडित को भले ही आर्थिक लाभ मिल जाए लेकिन साधक को कोई फायदा नहीं होने वाला। अजरता सुख सोवना राते नींद ने आई, जू जल टूटे मछली यू बेलंत विहाई। इस दोहे का शब्दार्थ है कि अजरता सुख सोवना मतलब जो ईश्वर से विरक्त है, राते नींद ने आई मतलब रात्रि को भी नींद नहीं आती है, जू जल टूटे मछली मतलब जैसे जल के अभाव में मछली तड़पती है, यू बेलंत विहाई मतलब ऐसे ही ईश्वर भक्त विरह की अग्नि में तड़पता है। इस दोहे का भावार्थ है कि इस साखी में कबीर साहब की वाणी है कि जो ईश्वर से प्रेम रखता है वह विरह की अग्नि में सदा ही दग्ध रहता है, उसे रात्रि को भी चैन नहीं मिलता है, वह वैसे ही तड़पता है जैसे जल के अभाव में मछली तड़पती है। जिनको ईश्वर की लगन नहीं लगी है, जो ईश्वर से अनुरक्त नहीं है, वे तो आराम से सोते हैं, लेकिन जिनको ईश्वर की लगन लगी हुई है वे हरि मिलन की आस में ऐसे तड़पते हैं जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। भाव है कि वे सदा ही बेचैन रहते हैं हरि मिलन की आस में। व्यक्ति को सिर्फ हरि की ही लगन लग जाती है, उसे कोई भी सांसारिक और भौतिक क्रिया से संबंध अच्छा नहीं लगता। चतुराई हरि ना मिले ए बाता की बात, एक निष्प्रेही निर्धार का गाहक गोपी नाथ। इस दोहे का शब्दार्थ है चतुराई हरि ना मिले मतलब चतुराई से हरि की प्राप्ति नहीं होती है, ए बाता की बात मतलब यह 100 बातों की एक बात है, एक निष्प्रेही निर्धार का मतलब ईश्वर तो बिना किसी लगाव के और निराधार के प्रति लगाव रखता है, गाहक गोपीनाथ मतलब इसके ग्राहक गोपीनाथ ही है। इस दोहे का भावार्थ है कबीर साहब की वाणी है कि किसी प्रकार की चतुराई करने से, यत्न करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ईश्वर की प्राप्ति तो सहज है, हृदय से ईश्वर की भक्ति करने पर स्वतः ही ईश्वर भक्ति को महत्व देता है।
यह कोई बाह्य वस्तु नहीं अपितु आंतरिक है। किसी भी प्रकार के भौतिक जतन से भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही 100 बातों की एक बात है। ईश्वर तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम स्थापित करता है जो बिना किसी आशा के और बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता है। सहज प्रेम से गोपीनाथ रिझते हैं। माया और भौतिक जगत से जिसका कोई लगाव नहीं है उसे ईश्वर अपना समझते हैं। निष्प्रह, निष्काम और निराश्रय को ईश्वर अपनाते हैं। भाव है कि ईश्वर नाम सुमिरन की मुक्ति का आधार है। कबीर हरि का भाव था, दुरई थे दिसंत, तन सिणा मन उन्मना जग रुठड़ा फिरंत। इस दोहे का शब्दार्थ है कबीर हरि का भाव था मतलब ईश्वर का प्रिय, दुरई थे दिसंत मतलब दूर से ही दिखाई दे जाता है, तन सिणा मन उन्मना मतलब उसका तन क्षीण होता है और मन उन्मना होता है मतलब संसार से विरक्त होता है, जग रुठड़ा फिरंत मतलब वह जग से रूठा हुआ प्रतीत होता है। इस दोहे का भावार्थ है कबीर साहब संत जन की पहचान बताते हैं कि संत जन और ईश्वर भक्त दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, उन्हें पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती है, उनका शरीर क्षीण और मन संसार से उचट चुका होता है, जगत से वे एक भांति से रूठे हुए होते हैं। मन का उन्मना होने से भाव है कि साधक का मन ऊर्ध्वमुखी होता है, जगत की बातों में वह ध्यान नहीं रखता है, वह जगत से निर्लिप्त रहता है। साधु अपने व्यवहार से अन्य लोगों से अलग ही रहता है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। इस दोहे का भावार्थ है ईश्वर और गुरु दोनों एक ही है, अंतर सिर्फ बाह्य आकार का है, मूल रूप से दोनों एक ही है। दो का भाव समाप्त करके जो शिष्य ईश्वर का सुमिरन करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अहम ही भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है और अहम की उत्पत्ति भी माया के कारण होती है। जब व्यक्ति माया से दूर होकर अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देता है तभी वह उस निराकार में समा पाता है। प्रेम गली अति साकरी का भी यही भाव है। गुरु उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहाँ साधक और परम सत्ता का भेद समाप्त हो चुका होता है, लेकिन शिष्य को वे दो दिखाई देते हैं क्योंकि अभी उसे काफी वक्त यह समझने में लगने वाला है। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर कबीर साहब की वाणी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। भाव है कि गुरु और गोविंद एक ही है। गुरु का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वही है तो गोविंद से साक्षात्कार करवाता है। जब शिष्य गोविंद से मिलता है तो वह वस्तुतः गुरु से ही मिल रहा होता है क्योंकि गुरु और गोविंद एक ही है। यह भेद जब समाप्त होगा तब दो की भावना नष्ट हो जाएगी और अहम नष्ट हो जाएगा। इसी पर कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार।